जीवन में सुख नाम की चीज नहीं है, तो 3 माचिस रख दें इस जगह, आप पाएंगे जीवन से तमाम दुख का खात्मा हो गया है, हर काम बराबर बनने लगा है और सुख तो जीवन में इतना आने लगा है कि चमत्कार आपके जीवन में आप महसूस करने लगे हैं। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, इसी ब्लेसिंग्स को देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बोलने के साथ साथ ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए जानकारी देना प्रारंभ करते हैं जो महत्वपूर्ण है और आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि सुख की कामना हर किसी को होती है। मित्रों, काल पुरुष का दुख माना गया है शनि को, और शनि ही दुख देता है, लेकिन कर्म फल दाता होने से कर्म के हिसाब से ही आपको सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके कर्म खराब हैं तो आपको दुख मिलेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा आप गलत ही होते हो, अगर हमेशा गलत होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सही भी हो तब भी आपको दुख मिल रहा है तो इसके पीछे कोई और कारण है, तो उसके बारे में बताएंगे और उपाय भी बताएंगे, माचिस के ऐसे अद्भुत टोटके बताएंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, अगर पूजा स्थान में आप माचिस रखते हैं तो उसको रखना उसी वक्त बंद कर दीजिए। अगर गैस के चूल्हे के बीच में आप माचिस रखते हैं उसको रखना बंद कर दीजिए। गैस के चूल्हे के साइड में आप माचिस रख सकते हैं। लाइटर का ज़माना है तो माचिस की ज़रूरत क्यों है, तो लाइटर रखिए, और लाइटर आप कहीं भी रख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन माचिस किसी ऐसी जगह पर ना रखें जहां आपको नुकसान की प्रबल संभावना है। ऐसा ही होता है गैस का चूल्हे के बीचम बीच का स्थान जहां आप माचिस रख देते हैं, और पूजा स्थान में भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। घर की उत्तर दिशा में माचिस रखना शुभ नहीं होता है। घर की ईशान दिशा में भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। घर के पश्चिम दिशा में आप माचिस रखते हैं तो करोड़ों गुना दुख आपके जीवन में आ जाते हैं, तो इसे निजात पाने के लिए माचिस को हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। आइए अन्य जगह बताते हैं जहां माचिस की तीली रखने मात्र से ही आपको लाभ होने लगता है। अगर आप माचिस की तीली दक्षिण से सटा हुआ जो कोना होता है अगर आप उसमें रखते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। नैऋत्य दिशा में भी माचिस रखना बहुत शुभ होता है। चारों कोनों में 4 माचिस रख दीजिए, आपका राहु प्रबल होके आपको मालामाल कर देगा। दुखों के निवारण के लिए माचिस हाथ में लेवें और माचिस की तीलियों की गिनती चालू कर दीजिए। माचिस की तीली दिन में 7 बार गिनिए, इससे आपको मेंटल टेंशन से रिलीफ मिलेगा और आपको लाभ होगा, सुखों का आगमन आपके जीवन में होने लगेगा। अगर आप मंदिर में माचिस रख के आते हैं तो वो बेहद शुभ होता है, माचिस का दान बेहद शुभ होता है। माचिस के ज़रिए दीपक जलाए जाते हैं और जितने दीपक आपकी माचिस के द्वारा जलेंगे उतना ही पुण्य फल आपको मिलेगा। तो मंदिर में माचिस रखना बहुत शुभ होता है, माचिस का दान देना बहुत शुभ होता है। पूजा की थाली में माचिस रखें और उसको मंदिर में ही छोड़कर आ जाएं, ऐसा करने से आपको सुख जीवन में आता है। अगर आप मंगलवार या शनिवार को माचिस में मंदिर में रखकर आते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। सफाई कर्मी को आप माचिस देते हैं तो आपका भला होता है और आपके जीवन के समस्त दुख मिट जाते हैं। घर की छत पर माचिस रखना शुभ होता है। घर के कोनों में माचिस रखना शुभ होता है। तो ये करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से सेवारत हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अभी श्रावण मास ऑफर चल रहा है जो वास्तु पर मान्य नहीं है और पाम रीडिंग पर मान्य नहीं है। मात्र जन्म पत्री से संबंधित आप एक सवाल पूछ सकते हैं, वो भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके